बीएनटी सिविल कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे प्रेस करो ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करो आप तक पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंकरिंग के बारे में, तो हिल्टी की किस तरह किया जाता है। और हमारे सामने जो दिख रहा है ये हिल्टी किया हुआ है, ये किस लिए किया हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। ये स्किन वॉल को सपोर्ट के लिए किया हुआ है, और स्किन वॉल क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल ये वीडियो में आपको बताऊंगा एंकरिंग किस तरह किया जाता है, हिल्टी किस तरह किया जाता है, और ये रीबार किस तरह किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। इसको रीबार भी कहते हैं। देखो जैसा कि ये सामान हमारे सामने दिख रहा है 16 का स्टील, ये देखो ये इधर डाला हुआ है, ये 300 डेप्थ इसके अंदर गया हुआ है, इसके अंदर एंकर किया हुआ 300 का, और ये 200 बाहर निकला हुआ और ये 800 है। इसका मैं ड्राइंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा आगे, फिलहाल पहले दिखाता हूँ किस तरह होता है। ये देखो सबसे पहले इधर ऊपर दिख रहा होगा आपको, इधर देखो ये ड्रिल किया हुआ है, इसको ड्रिल करने के बाद 300 डेप्थ गया इसका, और ड्रिल करने के बाद फिर कॉन्डोर 500 SR केमिकल आता है, कॉन्डोर SR 500 वो दिखाता हूँ किस तरह होता है। जो रेड रेड दिख रहा होगा आपको इधर, देखो इधर रेड रेड ये केमिकल है, हिल्टी केमिकल है। ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये केमिकल से इसको फॉर्म किया जाता है। और ये देखो इसका मैं केमिकल भी दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा किस तरह वो होता है, अगले एक वीडियो बनाऊंगा जब होते रहेगा। तो अभी इसका मैं केमिकल भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये 500 कॉन्डोर एंकरिंग 500 SR पड़ा हुआ हमारे सामने, ये देखो कॉन्डोर SR 500 एंकरिंग, ये केमिकल यूज़ करते हैं हम इसमें। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ इस तरह डील किया जाता है, और देखो प्रोसेस भी दिया हुआ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर। देखो इसको किस तरह किया जाता है उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपको आगे, वो वीडियो अपलोड करूँगा। और ये एंकरिंग रिबार क्यों किया हुआ है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा, फिलहाल एक दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे रुकता है उसको। ये देखो ये स्किन वॉल है, स्किन वॉल के डिटेल मैं अगले वीडियो में डालूँगा, अभी फिलहाल क्यों हुआ है इस पर स्किन वॉल किस तरह रेस्ट होता है ये दिखा रहा हूँ इसमें। देखो ये रिबार किया हुआ है और ये स्किन अभी स्टील आगे आएगा और इस पर रेस्ट होगा, तो ये रेस्ट होने के लिए इसको हमने डाला है। ये देखो एक पाइल में तीन एंकर किया हुआ है। देखो हमारे सामने हिल्टी का ड्राइंग है जो रिबार किया हुआ है, जैसे मैंने वीडियो दिखाया आपको। तो देखो इसका रिबार ये है, ये यहाँ से स्टील जो देखो अंदर गया हुआ है, इसमें 500 दिया हुआ है लेकिन हमने 300 किया है, वह कंसल्टेंट से हमने जो कंसल्टेंट से हमने बात किया है तो उन्होंने 300 करने बोला है, क्योंकि अपना जो है IS के हिसाब से टंडी रहना चाहिए हिल्टी, लेकिन इन्होंने 500 दिया हुआ था, फिर भी हमने बात करके 300 करवाया, तो जो डेप्थ इसका 300 है। ये देखो ये 500 दिया हुआ है तो हमने 300 करके लिया है, और देखो इसका जो लेंथ है यानी कि डेप्थ 500 गया, और फिर यहाँ से देखो 800 ऊपर गया हुआ है, जैसे उधर आपने को दिखाया मैंने हल्डी, तो 800 ही ऊपर गया है। तो ये 16 टॉर का रिबार है यानी कि 16 mm का बार है, और इसको जो है 1200 पे 1.2 मीटर पे सेंटर टू सेंटर बोथ साइड यानी कि बोथ साइड जो है हमने इसको 1200 करके लिया है सेंटर टू सेंटर, तो जैसा कि आपने देखा उसमें वीडियो में। रिबार इसलिए किया है क्योंकि जैसे मैंने बताया था वीडियो में 200 mm थिक स्किन वॉल है। देखो ये शोर पाइल है, शोर पाइल में ये देखो 300 गया हुआ है, और ये इस तरह स्टील बाहर गया। अब इसके ऊपर स्टील जो देखो डॉटेड डॉट ये स्टील है दिख रहा है, इसी पे रेस्ट है, तो मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है वो वीडियो में जाके देखे
उसका लिंक भी दूंगा मैं इस वीडियो में, तो आप जाके वो इस वीडियो में देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतने ही, अगले वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।